नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। माफी चाहता हूं आज के लिए, क्योंकि आज टेक समाचार हम आपके लिए नहीं ला पाए। आपको पता कि सुबह से इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं यहां पे और कुछ मेरा चलता नहीं है बिना इंटरनेट के मेरे घर पे, तो जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा ब्रॉडबैंड पे रिलाई करता हूं और मोबाइल का डेटा चलता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से टेक समाचार कल मिलेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे Realme X3 के लिए। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग यहाँ पे Realme X3 को लेकर के एक्साइटेड हैं, और Realme X3 के बारे में अगर आपको हम बताएं तो यहाँ सब कुछ निकल करके बाहर आ चुका है कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। प्राइस पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्पेक्स यहाँ पूरा का पूरा लीक आउट, इन शॉर्ट अगर बताऊं तो पूरा डिटेल कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में जो डिवाइस आएगा वो कैसा होगा। Realme X3 की अगर बात करें तो Realme X3 में यहां पर आपको मिलने वाला है 4, 6 और 8 GB रैम वेरिएंट के साथ मिलने वाला है। वहीं पर 64+128 और 256 GB वाला वेरिएंट आपको शायद दिख सकता है, लेकिन यहां पे 64+128 GB आपको 100% दिखेगा। वही अगर बात करें तो पहली बार होगा कि यहाँ Realme के X सीरीज में ये कोई पहला हैंडसेट होगा जिसमें आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे IPS LCD का आपको डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन अगर वही बात करें तो यहाँ पे Realme ने कुछ अच्छा ऐड करके दिया है। 120Hz रिफ्रेश रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था आजकल सारे कंपनी 60Hz से मूव कर रही है 90 या फिर 120Hz, तो 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर दिखने वाला है। वहीं अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड मिलेगा, यहां पर आपको इन डिस्प्ले नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पे बैटरी की। बैटरी मिलने वाला है 4100mAh का, 30 वॉट का यहां पर आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जिसे वूक चार्जर भी Realme कहती है। टाइप सी का यहां पे पोर्ट मिल जाएगा। आगे आपको पंच होल डुअल कैमरा दिख जाएगा 16+2 मेगापिक्सल का, और रियर की तरफ अगर बात करें तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिखेगा। नंबर वाइज अगर देखें तो थोड़ा सा यहां पे डाउनग्रेडेड है अगर हम Realme X2 के साथ इसे कंपेयर करते हैं तो, लेकिन अब यहां पे पूरा कंप्लीट आने के बाद ही पता चलेगा कि इमेज की क्वालिटी कैसी होगी और कैमरा कैसा परफॉर्म करेगा। सबसे अच्छी चीज अगर हम बात करें यहां पर, ग्लास डिजाइन को अभी भी रखा है Realme ने यहां पर, तो ग्लास डिजाइन नहीं हटाया है अभी तक। Realme X3 में आपको ग्लास डिजाइन मिल जाएगा। प्रोसेसर यहाँ पे काफी अच्छा अपग्रेड किया गया है 730G के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको पता है कि 730G Realme X2 में आता है, तो यहाँ पे 765G आपको देखने को मिलेगा। आपको अच्छे से पता है कि 765G यहाँ पर 5G भी सपोर्ट करता है दोस्तों, तो 5G का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा इस फोन में इन फ्यूचर, अगर यहाँ पर इंडिया में 5G आता है 6 महीने, साल भर या 2 साल में, तो इन फ्यूचर आप उसे कंसीडर कर सकते हैं कि 5G सर्विसेज आपको उसके अंदर मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज जो यहां पर है कि यहां पर LPDDR4X का यहां पर आपको रैम मिल जाता है, तो काफी अच्छा रैम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज है कि UFS 2.1 का स्टोरेज आपको दिया गया है, तो कम्युनिकेशन जो आपके यहां स्टोरेज डिवाइस के साथ होगा बहुत ही अच्छा और सीमलेसली होगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर बात करें तो फोन ओवरऑल यहां पैकेज जो है दमदार पैकेज है, बिल्कुल बुरा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज यहां पे मेजर है, और मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग यहां पर AMOLED 60Hz प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ 120Hz IPS LCD। अगर आप सच में यही प्रेफर करने वाले हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके साथ इतने दिनों तक बात करते हुए, वीडियो शेयर करते हुए इतना तो मुझे पता चल गया है। अगर गलत हूं या सही हूं, जो भी हूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पे अगर नए हैं हमारे और अगर नॉन सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए हर रोज लाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस न्यू जर्नी में आप लोग बहुत ही कमाल का यहां पे सपोर्ट दिखा रहे हैं। थोड़ा सा भी एक दो दिन से थोड़ा डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वापस से हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की। प्राइस यहां पे क्या होने वाला है Realme X3 का। ऑफ कोर्स Realme X2 से ये एक अपग्रेड है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहां पे आपको शायद ये 4GB वाला रैम का जो वेरिएंट आएगा वो 17999 की प्राइस पे आपको मिल सकता है। बाकी यहां पर GST हाइक हुआ है, ये आपको शायद 20,000 की भी प्राइस पे भी मिल सकता है, लेकिन एक वैल्यूएबल प्राइस की अगर हम बात करें तो 17999 की प्राइस पे अगर आता है ये डिवाइस 765G के साथ, तो ये मार्केट में धमाल मचा देगा, काफी बढ़िया होगा। और उसके हिसाब से 6 और 8GB रैम वाले वेरिएंट की भी अलग अलग प्राइसेस होंगे। ओवरऑल फोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दमदार है, और 765G के साथ अगर ये फोन आता है तो अभी तक तो यहाँ पे इंडिया में अभी कोई भी हैंडसेट अवेलेबल नहीं है बजट सेगमेंट में। Realme अगर लेकर के आता है अच्छे प्राइस के साथ तो डेफिनेटली ये फोन बहुत ही कमाल और धूम मचाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।